हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुरकुरी तिल की पापड़ी, या आप इसको तिल का पापड़ भी कह सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने इसको तिल के साथ बनाया है। तिल में बहुत हाई कैल्शियम कंटेंट होता है और ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट के अंदर दो इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और आपका जब मन है आप इसको रेलिश कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी तिल ली है और एक कटोरी ही मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो उसके जगह पर गुड़ को बारीक तोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई छोटी सी कटोरी ली है तो उसी कप से आपने तिल को और चीनी को नाप लेना है। दूसरी तरफ बेलन और चकले पर मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। घी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो भी हम बनाएंगे पापड़ी वो इसके ऊपर चिपकने लगेगी। लेकिन ये आपको स्टेप सबसे पहले ही करके रख लेना है, बाद में हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना। अब यहाँ पर गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। सबसे पहले हमने तिल को सेक लेना है। तो तिल को मैंने यहाँ पर लो मीडियम आँच पर कम से कम 2 मिनट के लिए भून लिया था। तिल ओवर कुक नहीं होना चाहिए, अगर आप इसको ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो तिल अंदर से बिल्कुल कड़वा लगने लगता है। तो आपने उसको उतना ही भून लेना है जितना उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और वो लाइट गोल्डन हो जाए, तो इससे उसका टेस्ट और भी एनहांस होकर आता है। तो चला ले इसे। तो मैंने यहाँ पे उसको कंटिन्यूस चलाते हुए ही भुना है ताकि उसको आँच बराबर लगे हर तरफ से। और ये देखिए हल्का सा फूल गया है और हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पे ऑफ़ कर लिया है और ये रेडी हो गई है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। और यहाँ पर इसी पैन में मैंने चीनी ऐड कर ली है। तो चीनी भी मैंने उतनी ही ली थी जितना तेल है। अगर आप कम क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे तो पापड़ी ठीक से फॉर्म नहीं होगी और वो ड्राई रह जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है और इसको मिला लें अच्छे से। आप चाहें तो बिना पानी के भी आप इसको बना सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है और इसको बस चलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि चीनी मेल्ट नहीं हो रही है और कुछ गलत हो गया है इसमें, लेकिन धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो जाएगी। पेशेंस से आपने बनाना है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया था इसलिए इसमें क्या हुआ था कि सारी चीनी मेल्ट नहीं हुई थी, कुछ कुछ मेल्ट हो गई थी और ये नीचे लगने लग गया था। ये देखिए ऐसे, और नीचे लगकर चीनी जो है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गई थी। तो इस तरह से जब हो जाए और चीनी पाउडर फॉर्म में आ जाए, नीचे लगने लगे, तो इस समय आपने गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि नीचे जो चीनी लग गई है वो मेल्ट होके पैन को छोड़ दे। तो यहाँ देखिए पैन को छोड़ दिया है चीनी ने और अच्छे से ये निकल आई है बाहर। तो बस चलाते रहें इसको जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती है। और कुछ सेकेंड्स चलाने के बाद ये देखिए इसका कलर भी हल्का चेंज होने लगा है और ये मेल्ट हो गई है। इसमें अभी भी बहुत सारी गुठलियाँ हैं चीनी की, ये सारी मेल्ट हो जाए, बिल्कुल ही इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाए तब तक इसको चला लें। अब आपने इसको 1 सेकेंड के लिए भी छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कैरेमल नीचे से जल जाएगा और ऊपर से वाइट ही रह जाएगा। तो इसको हीट बराबर लगे हर तरफ से, इसलिए इसको मिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए चीनी बिल्कुल ही मेल्ट हो गई है, कोई भी गोली इसमें चीनी की नहीं बची है। मैंने आपको पूरा फुटेज दिखाया है, ज़्यादा एडिट नहीं किया था ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं कि उसको किस तरह से हमने बनाना है। और यहाँ पे अभी मैंने भुनी हुई तिल ऐड कर ली है। सबसे पहले गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर लेना है वरना ये और ज़्यादा कड़ जाएगा और उस वजह से ये बहुत जल्दी हार्ड होगा। तो बस ये स्टेप भी आपको जल्दी जल्दी करना है, इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर ले, नहीं तो कैरमल यहीं पर सेट होने लगेगा और फिर आप इसको बेल नहीं पाएंगे चपले के ऊपर। तो मिला लें इसको अच्छे से। बस जब ये इस तरह से मिल जाए अच्छे से और कैरेमल और तिल अच्छे से एक बॉल जैसा फॉर्म हो जाए, तो हमने इसको निकाल लेना है चपले के ऊपर। चपले के ऊपर मैंने पहले ही घी लगा के रख दिया था और बेलन को भी मैंने घी लगा लिया है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बेलन और चपले के ऊपर ये चिपकने लगेगा और आप इसको बेल नहीं पाएंगे। और
ये ख़राब होने लगेगा। और ये देखिए इसके ऊपर स्टिक हो गया था, उसको भी मैंने नाइफ से निकाल लिया है। इसको मिक्स कर लें अच्छे से और इसको सेंटर में ले आएँ ताकि आप इसको बेल सकें। जितना तेज़ी से आप बेलेंगे उतना ही पतली पापड़ी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसको धीरे धीरे बेलेंगे तो ये जल्दी सेट होने की वजह से उसको आप पतला नहीं बेल पाएंगे, इसलिए जितना हो सके आपने उसको जल्दी जल्दी बेल लेना है और पतला फैला लेना है। ये देखिए, तो जितना आपसे हो सकता है उतना बेल लें। ये देखिए हार्ड भी हो गया है, 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर बिल्कुल हार्ड हो जाता है ये। और इसको फिर आपने किसी नाइफ से इस तरह से नीचे से लूज़ कर लेना है, धीरे धीरे कर लें ताकि ये टूटे नहीं। अगर आप इसको इसी तरह सेट करना चाहते हैं तो आपने धीरे धीरे कर लेना है और आप इसी तरह इसको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने बेला है, मैंने इस जैसा बेला है, आप इससे भी पतला इसको बेल सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी है और मैंने इसको छोटे पीसेस में कट किया था, ऐसे तोड़ लिया था। देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई थी। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसको किसी गर्म जगह पर मत रखिएगा, वरना चीनी मेल्ट होने की वजह से ये आपस में चिपकने लगेगी। आप इसके बीच में वैक्स पेपर रखकर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लिख के ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी पसंद आई कि नहीं। मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।